Hey guys, good afternoon and welcome to my new vlog. Guys, दोपहर के ठीक एक बजे हैं और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप हमारे हाथ में ये पिंक बॉल देख रहे होंगे। शायान का आज फाइनल मैच है, फर्स्ट फाइनल क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 के लिए। आज मौसम की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। दिल्ली के अंदर काफी जबरदस्त धूप निकली है, हालांकि सुबह से काफी फॉगी वेदर था। तो चलिए अब सीधा ग्राउंड चलते हैं और एंजॉय करते हैं फाइनल मैच पिंक बॉल अंडर 13 विंटर कप का। शायान की जर्नी शुरू हो चुकी है एक बार फिर से क्रिकेट ग्राउंड की ओर। आज शायान बहुत ही एक्साइटेड है सुबह से ही। आज अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और आज हमें विनर्स बनकर ही वापस आना है। ओके, बेस्ट विशेस। हालांकि पिछले मैच में शायान ने बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन किया था, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की थी, 41 रन स्कोर किए थे और 4 विकेटें भी ली थी। शायान की एंट्री हो चुकी है क्रिकेट ग्राउंड में फाइनल मैच के लिए। ग्राउंड पे जबरदस्त धूप खिली हुई है और विकेटें भी लगा दी गई हैं। मार्किंग का काम चल रहा है। फाइनल मैच के लिए दोनों ही टीमें लाइनअप हो गई हैं। विब्स क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 दोनों ही कप्तान इस ट्रॉफी के लिए आज मुकाबला करने वाले हैं। सिक्का उछाल दिया गया है और शायान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। 35 ओवर्स का ये मैच खेला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त धूप खिली हुई है मैदान के ऊपर। विपक्षी टीम अपनी तैयारियों में जुट गई है और शायान बल्लेबाजी के लिए तैयार हो चुके हैं अपने एक नए जोड़ीदार के साथ। मैच का आगाज होने ही वाला है। शायान के लिए मैच नंबर 175। दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान और सक्षम निकल पड़े हैं मैदान के बीचों बीच। मैच बॉल बिल्कुल तैयार। अनुष्का करने वाली है आज के मैच में बॉलिंग की शुरुआत। शायान अब आ गए हैं मैदान के बीचों बीच गार्ड्स लेते हुए। पहले ओवर में ही सिंगल से खाता खोला था सक्षम ने और अब शायान इस मैच में पहली बॉल का सामना करेंगे। बॉलर भागना शुरू किया। शायान के लिए इस मैच में पहली बॉल और इसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है। इनफैक्ट कवर के ऊपर डॉट बॉल से शायान ने अपने इनिंग की शुरुआत की है। बॉलर एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और यह सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। शायान ने इस तरीके से खाता खोला है अपना शानदार चौके से। बॉलर एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं और सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया है गली की दिशा में। पीछे फील्डर मौजूद और यह सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। दूसरा चौका शायान के बल्ले से। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है। सामने आ गए हैं शायान और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। पीछे फील्डर मौजूद, रोक नहीं पाएंगे। तीसरा चौका शायान के बल्ले से। इसके साथ ही शायान डबल फिगर्स में पहुंच गए हैं 12 रनों पे। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर भागना शुरू किया बॉलर ने। शायान बिल्कुल तैयार, इसको खेल दिया कवर्स की दिशा में, रन की गुंजाइश नहीं। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको कट कर दिया है। पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन से संतोष करना पड़ेगा शायान को। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर भागना शुरू किया और करारा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और यह सीमा रेखा के पार, फोर्थ बाउंड्री शायान के बल्ले से। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर, शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया कवर्स के ऊपर। अच्छी शॉट थी, हालांकि रन की गुंजाइश नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर और एक और शानदार शॉट दोनों ही फील्डर के बीच से, फिफ्थ बाउंड्री शायान के बल्ले से। और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और इसको फ्लिक कर दिया है और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, सिक्स्थ बाउंड्री शायान के बल्ले से। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर शायान बिल्कुल तैयार और यह करारा शॉट कवर्स के ऊपर, पीछे फील्डर मौजूद, निश्चित चौका बचाया अपनी टीम के लिए फील्डर ने, एक रन और शायान के खाते में। बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार और यह करारा शॉट गली की दिशा में और यह सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, सेवेंथ बाउंड्री शायान के बल्ले से। इसके साथ ही शायान ने अपना 31st 30 मार्क क्रॉस कर लिया है। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान और यह करारा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और यह सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, एट्थ बाउंड्री शायान के बल्ले से। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर शायान बिल्कुल तैयार, एक और उम्दा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पीछे फील्डर मौजूद और ये हल्की सी मिस फील्ड और ये सीमा रेखा के पार, नाइन्थ बाउंड्री शायान के बल्ले से। एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं बॉलर और सामने आ गए हैं शायान
और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पीछे फील्डर भाग रहे, रोक नहीं पाएंगे। 10th बाउंड्री शायान के बल्ले से, बॉलर एक बार फिर से, शायान बिल्कुल तैयार, और एक और उम्दा शॉट गली की दिशा में और अच्छी फील्डिंग। 14 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 98 रन्स कर लिए हैं क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने बिना किसी नुकसान के। शायान एक बार फिर से आ गए हैं सामने, स्पिन गेंदबाजी की शुरुआत होने वाली है। नए ओवर की पहली गेंद, सामने शायान, और इसको खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, फील्डर मौजूद है, रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक और रन का इजाफा शायान के खाते में। एक और नए स्पिन गेंदबाज आ गए हैं और सामने आ गए हैं शायान, और इसको ऑन साइड पे खेल दिया हल्के हाथों से, और एक और रन चुराने में कामयाब हो गए। अच्छी रनिंग कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान, करारा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और ये अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतोष करना पड़ेगा शायान को। 17 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 127 रन स्कोर कर लिए क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने बिना किसी नुकसान के। सक्षम 59 और शायान 45 रन बनाकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं दोनों ही सलामी बल्लेबाज इनिंग्स की दोबारा से शुरुआत करने के लिए। पिंक बॉल अंडर 13 विंटर कप का फाइनल आज खेला जा रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम, शानदार धूप खिली हुई है ग्राउंड पे। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर शायान बिल्कुल तैयार, और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, फील्डर पीछे मौजूद है, हाथों से रन चुरा लिया। अच्छी रनिंग, अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से शायान बिल्कुल तैयार, और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है, वहां पे भाग कर आए मिड विकेट से फील्डर। एक और रन का इजाफा शायान के खाते में, और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान, और इसको कट कर दिया है, और ये सीमा रेखा की तरफ जा रही है बॉल शायान के बल्ले से, ये 11th बाउंड्री, और इसके साथ ही शायान ने अपनी 35th हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर लिया है। वेल प्लेड शायान, बॉलर एक बार फिर से सामने शायान, और इसको गली की दिशा में खेला है दोनों ही फील्डर के बीच से, सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 12th बाउंड्री शायान के बल्ले से, एक बार फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर, और इसको ऑन साइड पे खेला है, और हाथों से रन चुरा लिया, शानदार रनिंग। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर सामने शायान, और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है, भाग कर आ रहे मिड विकेट से फील्डर, एक रन लेने में कामयाब हो गए शायान। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से सामने शायान, और इसको खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, फुल टॉस गेंद थी, सही पनिश किया, और इसके साथ ही 13th बाउंड्री शायान के बल्ले से। बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार, और इसको स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में खेला है, और वहां पे अच्छी फील्डिंग, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान, और ये बाहरी किनारा लेकर सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 14th बाउंड्री शायान के बल्ले से, 24.2 ओवर्स का खात्मा हो चुका है क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने 212 रन स्कोर कर लिए बिना किसी नुकसान के। 212 रनों की पार्टनरशिप हो गई है। इसी बीच एक और बॉल लेकर सामने शायान, और इसको खेल दिया है कवर्स के ऊपर, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार, और ये कवर्स के ऊपर शानदार शॉट सीमा रेखा के पार, 15th बाउंड्री शायान के बल्ले से। इसके साथ ही 74 रनों पे पहुंच गए शायान। एक बार फिर से शायान बिल्कुल तैयार, और इसको गली की दिशा में खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर शायान बिल्कुल तैयार, और इसको ऑन साइड पे खेल दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, हालांकि रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान, और इसको मिड विकेट की दिशा में खेला है, और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 16th बाउंड्री शायान के बल्ले से, एक बार फिर से बॉलर भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार, और इसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ पे, और हाथों से सिंगल चुरा लिया। बॉलर एक बार फिर से सामने शायान, इसको खेल दिया है गली की दिशा में, पीछे फील्डर भाग रहे, रोक नहीं पाएंगे। 17th बाउंड्री शायान के बल्ले से, बॉलर एक बार फिर से सामने शायान, और इसको स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 18th बाउंड्री, एक बार फिर से अगली गेंद लेकर शायान बिल्कुल तैयार, और इसको खेल दिया है, स्कूप कर दिया इनफैक्ट, और ये सीमा रेखा की ओर जा रही है बॉल शायान के बल्ले से। ये
19th बाउंड्री 93 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से बॉलर शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। एक और नई स्पिन लेकर आ गए हैं बॉलर और सामने आ गए हैं शायान और इसको फ्लिक कर दिया है और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। 20th बाउंड्री शायान के बल्ले से और शायान इसके साथ ही 98 रनों पे पहुंच गए हैं, अपने 1100 से सिर्फ दो रन दूर। बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया, शायान अपने 1100 से सिर्फ दो रन दूर और इसको खेल दिया है कवर्स के ऊपर, पीछे फील्डर मौजूद और यह सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल शायान के बल्ले से। एक और सेंचुरी, सेंचुरी नंबर 11, वेल प्लेड शायान। 21 चौकों की मदद से शायान ने अपनी 11th सेंचुरी मुकम्मल की है। फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर सामने शायान और इसको कवर्स के ऊपर से मारा है, बैक टू बैक बाउंड्री शायान के बल्ले से। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया है, पुल कर दिया इनफैक्ट 6 रनों के लिए, पहला छक्का इस मैच में, लगातार तीसरी बाउंड्री शायान के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, 112 के कुल योग पे पहुंच गए इसके साथ ही 22 चौके और एक छक्के की मदद से। बार फिर से बॉलर भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार और इसको खेल दिया इसको एलेक बाउंड्री की तरफ और ये सीधा हाथों में चली गई बॉल और इसके साथ ही शायान 112 रन्स बनाकर आउट हो गए, दूसरा विकेट गिरा है क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 का। 33.4 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 331 रन्स स्कोर हो गए और इसके साथ ही एक और शानदार छक्का आउट ऑफ द पार्क वैभव के बल्ले से, 56 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही, 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से। इनिंग्स की आखिरी गेंद लेकर बॉलर वैभव तैयार और ये स्ट्रेट ड्राइव आउट ऑफ द पार्क, छक्के से खात्मा किया है इनिंग्स का और इसके साथ ही 367 रन स्कोर कर लिए है क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने 35 ओवर्स के खात्मे के बाद सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है आज क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने, पहले सक्षम ने सेंचुरी लगाई, फिर शायान ने और वैभव ने नाबाद 86 रनों की पारी खेली है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, सारे के सारे प्लेयर्स ने क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 के बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा किया जिसकी वजह से 367 रन स्कोर कर लिए हैं क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने। ये टोटल जो है 367 का, मुझे लगता है कि बहुत ही इजीली हम लोग डिफेंड कर सकते हैं। अब बॉलिंग की बारी है और फील्डिंग की बारी है, तो सब लोग लक के करेंगे और जो पिंक बॉल अंडर 13 विंटर कप टूर्नामेंट की ट्रॉफी है उसको हम लोग उठाएंगे, ठीक है। बेस्ट विशेस, बिग हैंड। सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच पहुंच गए हैं 368 रनों का पीछा करने के लिए, पिंक बॉल बिल्कुल तैयार, दूसरी इनिंग्स की पहली बॉल लेकर आहान, बल्लेबाज बिल्कुल तैयार और ये लेग साइड पे गई है बॉल और मिक्सअप हो गए और इसके साथ ही पहली विकेट का पतन हो गया है रन आउट के रूप में। पहली ही गेंद पे पहली विकेट का पतन, जबरदस्त शुरुआत, बहुत ही शानदार जीत की तरफ बढ़ रही है क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11। 19.3 ओवर्स का खात्मा हो चुका है और 9 विकेटें गिर चुकी है 106 रनों के कुल योग पे विपक्षी टीम की और अभी भी 93 बॉल्स में 262 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को। आखिरी जोड़ी मैदान पे और ये एक और डॉट बॉल, बहुत ही शानदार मैच, पूरा का पूरा टूर्नामेंट बहुत ही जबरदस्त खेला है क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने, लगातार 200 रनों की विक्ट्री के साथ फाइनल में पहुंची थी और अब फाइनल में भी। आखिरी जोड़ी मैदान पे 254 रनों की दरकार है और इसको खेल दिया है गले की दिशा में, सीमा रेखा की ओर जा रही है बॉल और एक रन लेने में कामयाब हो गए इसी बीच बल्लेबाज। आखिरी जोरी मैदान पे और ये सीधा खेल दिया है सीमा रेखा के पार, आखिरी जोरी मैदान पे और इसको हवा में खड़ी कर दिए बॉल और इसके साथ ही इस
विंटर कप पिंक बॉल अंडर 13 टूर्नामेंट का खात्मा हो गया है और क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने 247 रनों से इस फाइनल मैच को जीत लिया है। एक बार जोर से सब लोग क्लैप करो अपने लिए, आप सभी ने बहुत अच्छा खेला है पूरे टूर्नामेंट में, शानदार बल्लेबाजी, शानदार फील्डिंग, बेहतरीन गेंदबाजी। आज का जो फाइनल मैच था वो विप्स क्रिकेट एकेडमी और क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 के बीच खेला गया, जिसको क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11 ने 255 रनों से जीत लिया है। बिग हैंड। मैच का खात्मा हुआ, बच्चों ने बहुत जबरदस्त मेहनत की, अब इनाम की बारी है। आज के इस मैच में जो फाइटर ऑफ द मैच है वो अंकित कुमार को गया है, तालियों से स्वागत करेंगे। कहना चाहूंगा इस मैच के फाइनल मैच के बेस्ट बैट्समैन को, शायान जमाल, 112 रनों की शानदार पारी खेली, वेल प्लेड। फाइनल मैच के बेस्ट बॉलर को बुलाना चाहूंगा, आहान गर्ग, तालियों से स्वागत। फाइनल मैच के जो सबसे बेहतरीन अवार्ड के हकदार हुए हैं, सक्षम यादव, तालियों से स्वागत करेंगे, 127 रनों की शानदार पारी खेली। पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है उसमें सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो सबसे बेहतर साबित हुआ है वो है दक्ष आर्या, बेस्ट फील्डर। सभी बच्चों ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन जो उन सभी में बेस्ट साबित हुए हैं वो है आज के बेस्ट बॉलर आयान खुराना, तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया बहुत सारे बैट्समैन का, अगर मैं नाम लूं तो उसमें सक्षम यादव है, पीजे है, शायान जमाल है, और भी कई सारे हैं जिनका मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, आतिफ मलिक है, और उसमें से सबसे बेहतरीन जो बैटिंग का मुजाहरा किया है और आज के बेस्ट बैट्समैन हुए इस टूर्नामेंट के वो है धीरेन शर्मा, वेल डन धीरेन, तालियों से स्वागत। टूर्नामेंट का खात्मा हो चुका है ऑलमोस्ट, सिर्फ अब रनर अप और विनर ट्रॉफी की बारी है। उससे पहले इस टूर्नामेंट के जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, 313 रन स्कोर किए पूरे टूर्नामेंट में, 2 सेंचुरीज लगाए हैं, शायान जमाल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, वेल डन। आज के रनर अप टीम विप्स क्रिकेट अकेडमी, वेल डन बॉय, तालियों से स्वागत करेंगे विनर टीम का, क्रिकेट वंडर्स इंडिया 11, पिंक बॉल विंटर्स कप अंडर 13 टूर्नामेंट के चैंपियन, वेल प्लेड बॉयज। घर की ओर वापसी हो चुकी है शायान की, शानदार ट्रॉफी के साथ मैच का खात्मा हो चुका है और आज के मैच में शायान ने सेंचुरी स्कोर की, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की और इस टूर्नामेंट को शानदार तरीके से खात्मा किया है शानदार जीत के साथ। कैसा लग रहा है शायान? बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने सोचा था कि हम जीत कर आएंगे और अब हम ये जीत कर भी आ रहे हैं, तो जबरदस्त ट्रॉफी है शायान के लिए। आज शायान को 3 ट्रॉफी मिली, पहली ट्रॉफी थी बेस्ट बैट्समैन की, 112 रन स्कोर किए थे, उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज 313 रन स्कोर किए थे पूरे सीरीज में 2 सेंचुरी के साथ, और उसके साथ ही ये विनर अंडर 13 पिंक बॉल विंटर कप ट्रॉफी। तो गाइस उम्मीद है आपको हमारा ये मैच, शायान के इनिंग्स और ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मैच के साथ।